Hey guys, welcome back to the Jerry Edits and आज हम एडिट करने वाले हैं ये वाला फोटो जो फोटो अभी आपके साइट पर आ रहा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके का फोटो क्लिक करवा लेना है। उसके बाद हमें सिंपल इस फोटो का बैकग्राउंड को इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद हमें ये वाला बैकग्राउंड लेना है। फिर हमें ऐड फोटो में जाना है, जाकर जो मॉडल का जो पीएनजी हमने बनाया था उसे सिंपली हमें लेकर इस फोटो पे हमें मतलब इस बैकग्राउंड पे हमें इसे एडजस्ट कर लेना है। गाइस एडजस्ट करने के बाद हमें इसे सिंपली डन करना है। फिर हमें अगेन ऐड फोटो में जाना है। जाने के बाद हमें ये लैम्पटन वाला पीएनजी और ये लाइट लेंस वाला पीएनजी हमें लेना है। लेने के बाद हमें इस लैम्पटन वाले पीएनजी को हमें अपने हाथ पे लगाना है। इसके लिए आपको फ़ोटो को थोड़ा जूम करना होगा। जूम करके आपको इसे सिंपली अपने फ़ोटो पे ऐसे लगाना होगा कि जैसे कि आपके हाथ में लैम्पटन हो। फिर सिंपली हम इसे इस तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद हम इरेजर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जाकर हम ये जो हमारे जो हाथ के ऊपर जो इसका जो स्टिक्स आ रहे हैं हम उसको रिमूव कर देंगे। तो इससे ऐसा लगेगा कि लैम्पटन को हमने हमारे हाथों से पकड़ कर रखा है। सो गाइस इसके बाद हमें इस फोटो को सिंपली टर्न करना है। इसके बाद हमें यह लेंस लाइट लेंस वाला पीएनजी जो है उसे हमें लैम्पटन के ऊपर ऐसे लगाना है। लगाने के बाद हमें इस फोटो को थोड़ा बड़ा करना है। बाद हमें सिंपली से टर्न करना है। इसके बाद हमें अगेन एड फोटो में जाना है। फोटो में जाने के बाद हमें ये बैट्स वाला पीएनजी लेना है। लेने के बाद हमें इसको इस बैट वाले पीएनजी को हमें थोड़ा बड़ा करके इसे थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करके हम इसे पीछे इन पैरों के ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से लगाने के बाद हम सिंपली से रन करेंगे। उसके बाद अगेन हमें ऐड फोटो में जाना है। जाने के बाद हमें यह फुल कलर पीएनजी लेना है। लेने के बाद हमें इसे सिंपली इसे छोटा करके हमें हमारे साइड में लगा देना है। के बाद हम इसका पहले आप इसे लगा दीजिए अच्छे तरीके से। इसके बाद हम इसको ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे। करने के बाद हम सिंपल इस फोटो को डन करेंगे। उसके बाद हम अगेन ऐड फोटो में जाएंगे। जाने के बाद हम फिर से एक और उल्फ वाला लेआउट लेंगे। लेने के बाद हमें इसे यहाँ पे ऐसे लगाना है, इसे साइड में लगाना है। करने के बाद हमें सिंपली से डन करना है।
उसके बाद हमें अगेन ऐड फोटो में जाना है। इसके बाद पहले हम क्रॉप करेंगे इस फोटो को थोड़ा सा। टूल्स वाले ऑप्शन पर जाकर इस फोटो को थोड़ा सा हम क्रॉप करेंगे। करने के बाद फोटो डन करेंगे। उसके बाद हमें अगेन ऐड फोटो में जाना है। जाने के बाद ये वाले पार्टिकल्स वाले पीएनजी हमें लेना है। लेकर इसको हमें इस तरीके से जूम कर बड़ा करके हमें अपने फ़ोटो के ऊपर लगाना है। लगाने के बाद अब हम इसको इरेज करेंगे। सो गाइस हमने इरेज कर लिया है। अब हम इस फोटो को सिंपली टर्न करेंगे। इसके बाद अभी हम अगेन ऐड फोटो में जाएंगे। जाकर हम हमारा जो जीडीएक्स का जो लोगो है वो हम लगाएंगे साइड में। फिर हमें सिंपली इसे टर्न करना है। उसके बाद हम फोटो वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जाकर इस फोटो को हम सिंपली अपने फ़ोन में सेव कर देंगे। उसके बाद हमें लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करना है। करने के बाद हमें टाइम सेलेक्ट करना है। टाइम सेलेक्ट करके हमें हमारा जो फ़ोटो है वो फ़ोटो हमें ऐड करना है। उसके बाद हम इस फोटो का एक्सपोजर थोड़ा इंक्रीज करेंगे। कंट्रास्ट को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे। हाइलाइट्स को थोड़ा डिक्रीज करेंगे। शेडो को भी डिक्रीज करना है। व्हाइट्स को थोड़ा इंक्रीज करेंगे।
ब्लैक को थोड़ा डिक्रीज करेंगे। उसके बाद हम नीचे वाला ऑप्शन पे जाएंगे। एक बार हमसे कस्टम सेट करना है, करने के बाद हमें ऊपर वाले मिक्स टूल पे जाके हम इसके फर्स्ट वाले के ह्यू को हल्का सा इंक्रीज करना है, सैचुरेशन को माइनस करना है और ल्यूमिनेंस को भी इंक्रीज करना है। उसके बाद हम येलो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जाकर हम इसका येलो वाले का ह्यू थोड़ा इंक्रीज करेंगे, सैचुरेशन थोड़ा डिक्रीज करेंगे, ल्यूमिनेंस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हमें सिंपली से डन करना है। उसके बाद हम नीचे वाले टूल पे जाएंगे, जाकर इसका टेक्सचर को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। नीचे जाकर इसका ग्रेन अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम अगर नीचे वाले टूल पे जाएंगे, जाकर हम इस फोटो के थोड़ा शार्पनेस को बढ़ाएंगे। कलर नॉइस रेडिएशन को भी थोड़ा बढ़ा देंगे, इससे क्या होगा फोटो में अगर कोई कलर नॉइस रेडिएशन हो तो वो उठ जाएगा। उसके बाद हमें सिलेक्टेड टूल पर जाना है, जाकर हमें लार्ज वाला ऑप्शन पर जाना है, जाकर हमें इसको इस तरीके से नीचे से सेट करना है। बाद हम इस को ऐसे नीचे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा, इसके ब्लैक्स को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, शेडोज को भी थोड़ा डिक्रीज कर देंगे, हाइलाइट्स को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद हमें नीचे वाला ऑप्शन पे जाना है, जाकर हमें इसके ह्यू को 82, सैचुरेशन को 100 कर देना है येलो वाले पे जाकर। उसके बाद हम अगेन सिलेक्टिव टूल प्लस पे क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन, फिर हम इसका हमारे फेस पे लगाएंगे। ऐसे लगाने के बाद हम अपने फेस का एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाएंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो फेस है वो थोड़ा ग्लो करेगा। कंट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे, हाइलाइट्स को डिक्रीज, फिर हमें सिंपली से डन कर देना है। देखिए हमारा जो फोटो है वो कुछ इस तरीके से बना है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, फोटो का क्वालिटी फुल एच डी है, बिल्कुल भी नहीं फटा। बिफोर देखिए हमने पिक्सआर्ट में जो बनाया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब देखिए लाइटरूम एप्लीकेशन में हमने जैसे कलर ग्रेडिंग किया फोटो में कैसा अच्छा लग रहा है। फिर हम सिंपली शेयर पे जाके इसको सेव कर देंगे।